बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाता हूँ आपके लिए दिलचस्प और तारीखी मालूमात। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलते हैं अपनी नई वीडियो की तरफ। बख्तमल साध बख्तमल का कायम करदा एक सिख फिरका है जो गुरु गोबिंद ने मसनदों या महसूलों का खात्मा किया तो उनमें एक बख्तमल नामी एक गुजर औरत माता के पास पनाह ली और औरत का भेष अपनाने की खातर चूड़ियां और नथ भी पहन ली। बाद में उसने ये हुलिया मुस्तकिल तौर पर अपना लिया। इसकी गद्दी के मेहनत अब भी चूड़ियां पहनते हैं। इसके पैरोकारों को बख्शीश साध भी कहा जाता है मगर ये अमर मशकूक है। बलहारा इसे गधे पालने वाला बताया जाता है। दरहकीकत बलहारा अमला या मुहाना ग्रुप की एक शाख है। बहावलपुर में वो मल्लाह के साथ काश्तकार भी हैं। चनाब और दरियाए सिंध पर उनकी कई देहात हैं। वो मुल्तान मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी खां में ज़मींदार के तौर पर भी मिलते हैं। बादशाह भांड का हम मायनी नकाल या मस्खरे को बादशाह कहते हैं। इसके अलावा एक्टर भी बादशाह हैं। सियालकोट में परनों की एक शाख बादशाह बताई जाती है। बादशाह अमूमन मुसलमान हैं लेकिन वो असल में गालबन मरासी ही हैं। मरासी और बादशाह आपस में शादियां नहीं करते। बादशाह कप और खिलौने भी बनाकर बेचते हैं। बैंस या वैंस एक जट कबीला है जिसका सदर मुकाम होशियारपुर और जलंधर में मालूम होता है। अलबत्ता वो मगरब की सिमत में रावलपिंडी तक फैल चुके हैं और मशरक में अंबाला और मुलहक्का मुकामी रियासतों तक। इनका कहना है कि वो बलहासल जंजुआ राजपूत हैं और उनका जद्द अमजद बैंस फिरोज शाह के अहद में मशरक की तरफ से आया था। बैंस राजपूतों के 36 शाही खानदानों में से एक हैं लेकिन टोड के ख्याल में ये महज सूरजवंशी शाख का एक ज़ैली हिस्सा है। गंगा जमुना दोआब के इंतहाई मशरक हिस्से बैसवाड़ा के नाम इन्हीं के नाम पर हैं। जलंधर में अलावलपुर के सरदार बैंस हैं जिसका जद्द अमजद होशियारपुर से जल्ला नज़द और सर हिंद आया। ये तकरीबन 12 पुश्त कबल का वाक़िया है।